तो व्हाट इज अप गाइस, मेरा नाम पंकज और आप देख रहे हैं द कैट हिल फाइटर पंकज। एंड गाइस, इस वाली वीडियो में मैं आपको क्लिपलेस पेडल्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरे पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए थे कि उन्हें मेरे साइकिलिंग पेडल्स और जो मेरे शूज़ हैं, जो साइकिलिंग वाले MTV के शूज़ हैं मेरे पास, जिनसे वो क्लिपलेस पेडल्स को मैं क्लिप इन करता हूँ और फिर यूज़ करता हूँ अपने साइकिल को, उसके बारे में उन लोगों को जानना था। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको यही सब इस वाली वीडियो में बताऊंगा। तो अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं और गाइस, इस वाली वीडियो में भी तबाही मचा दो। गाइस, इस वाली वीडियो में आपको सारे इस वाले शूज़ के फीचर्स बताऊंगा, जो पैडल है उनके भी सारे फीचर्स बताऊंगा। प्लस मैंने एक पहले अनबॉक्सिंग की वीडियो डाली थी इन शूज़ की, और जो मैं पैडल्स मंगाए थे उनकी भी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाल रखी है। आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा अनबॉक्सिंग ऑफ शूज़ का, अनबॉक्सिंग ऑफ पेडल्स करके। तो आप वहाँ पे भी जाके उन पेडल्स की अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स बता रखी है इन वाले पेडल्स के बारे में। प्लस गाइस, आपको इस वाली वीडियो में भी यही सब बता रहा हूँ। तो अभी तो पहले मैं आपको इनके अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा। बस गई, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है ये खाली MTV स्पेसिफिक शूज़ में आती है, जो कि ये है। इन वाले शूज़ में ये छोटा वाला क्लीट होता है, इस चीज़ को क्लीट बोलते हैं। एंड जो इसमें ग्रिप्स होती हैं वो MTV के शूज़ में ऐसी आपको ग्रिप देखने को मिल जाए। ऐसी गई सिमिलर होता है रोड बाइक का शूज़, लेकिन जो उसका क्लीट होता है, मैं आपको फोटो डाल रहा हूँ, वो क्लीट काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है। एंड जो उसमें शूज़ होते हैं उसमें जैसे इसमें ग्रिप है, उन वाले शूज़ में आपको बिल्कुल भी ऐसी ग्रिप नहीं मिलेगी। यानी कि सोल जो होती है, ऐसी वाली सोल उन वाले शूज़ में आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो ये वाली सोल होती है गाइस, जब हम साइकिल चलाते हैं MTV, कहीं पत्थर वत्थर में साइकिल फंस जाए तो उसको निकालने के लिए तब आपके यूज़ में आ जाते हैं ऐसे शूज़ चलने के लिए। लेकिन जो रोड बाइक के शूज़ हैं उन्हें पहन के आप कहीं पर भी पैदल तक नहीं चल सकते। वो वाले जो शूज़ होते हैं उनमें बिल्कुल भी ग्रिप नहीं, सोल होती नहीं है, और जो क्लीट्स होते हैं वो बाहर को निकले होते हैं, जिस वजह से आपको चलने में दिक्कत होती है रोड वाले शूज़ में। पहली बार पहनने पर गाइस, मैं काफ़ी ज़्यादा गंदी तरीके से अपनी साइकिल से गिर गया था इन वाले शूज़ से। प्लस गाइस, मैं आपको अभी कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ। आपको जो वाला नट दिख रहा है अपने पेडल में, इस नट को बिल्कुल लूज कर देना है अगर आप बिगनर हो तो। अगर आप एडवांस हो तो आपको ये सब पहले से ही पता होगा, लेकिन अगर आप बिगनर हो, आपने अभी भी शूज़ और पेडल्स खरीदे हैं, तो गाइस आपको ये वाले जो अभी मैं स्क्रू दिखा रहा हूँ, इस स्क्रू को खोलना है, इसको बिल्कुल आपको ढीला कर देना है। एंड फिर आपको अपने साइकिल के पेडल्स को यूज़ करना है, क्योंकि गाइस क्या होता है, जब आप क्लिप इन करते हो तो जब आप क्लिप इन तो हो जाता है, लेकिन जब क्लिप आउट करते हो तो जो नट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, एंड फिर आपके जो शूज़ हैं वो निकल नहीं पाते, इस वजह से आप उसमें फंसे रह जाते हो। और जब आपको साइकिल रोकनी होती है, साइकिल रुकती, आपके पैर नीचे नहीं पहुँचते और आप ही नीचे पहुँच जाते हो सीधा, इसलिए जो आपके नट है उसको आपको ढीला करना है एंड फिर ही आपको ये यूज़ करना है। We'll be right back.
अगर आपको ये वाले पेडल्स खरीदने हैं या शूज खरीदने हैं, मैं काफी सारे डील्स के आपको नीचे लिंक दे दूंगा। जो मेरे वाले ये शूज हैं ये बिटवीन के हैं, मैंने डिकैथलॉन से जाके परचेज करे थे। जो पेडल है वो भी बिटवीन का है, जैसे आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। प्लस गाइस एक क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि इन पेडल्स को यूज क्यों करें, क्योंकि गाइस इसे तब यूज करते हैं जैसे कि आपका पेडल है, ये आपका पेडल है एंड ये आपके शूज हैं। जब आप नॉर्मली अपने साइकिल को यूज करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट काफी ज्यादा बड़ा होता है और जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो मिल नहीं पाती आपके पेडल्स, आपके पैरों के थ्रू आपके पेडल्स में, जिस वजह से आपके जो आप जितना एफर्ट डालते हैं उतना ज्यादा एफर्ट आपके साइकिल में लगता नहीं है एंड आपकी उस स्पीड से साइकिल चलती नहीं है। जब गाइस आप ये वाले शूज यूज करते हैं जो मैक्सिमम फोर्स होता है वो आपके सीधा क्लीट्स के थ्रू आपके पेडल्स पे जाता है, क्योंकि वही मेन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है साइकिल के पेडल्स के साथ एंड फिर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है। आप जितना फोर्स लगाते हैं उतने फोर्स से आपके पेडल्स घूमते हैं, जो क्रैंक होता है उसी फोर्स से घूमता है। तो गाइस अगर आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो आपको ये वाले शूज यूज करने चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आप रेसेस करते हैं जो आपका एफर्ट होता है वो मैक्सिमाइज हो जाता है इन शूज की मदद से। प्लस गाइस आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगे कि आपकी हेल्प हो रही है तो एक वीडियो पे लाइक कर देना। गाइस आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरा ये इंस्टाग्राम का हैंडल है। मैं अपने फेसबुक पेज पे काफी सारे साइकिलिंग डील्स के लिंक भी डालता रहता हूँ, आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। आप वहाँ पे जाकर मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। प्लस अभी नेम पॉप आउट हो रहा है। गाइस मैंने आपको इन शूज के सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं, अब मैं आपको इनके प्राइसिंग के बारे में बताऊंगा। गाइस जो मेरे वाले शूज़ हैं 4,000 रुपीज़ के आपको डिकैथलॉन में देखने को मिल जाएंगे एंड जो ये वाले शूज़ होते हैं साइकिलिंग के, जो स्पेसिफिक शूज़ होते हैं जिनमें क्लीट्स होते हैं, चाहे वो रोड बाइक के हो या माउंटेन बाइक के हो, गाइस इनके प्राइसिंग 3,000 to 4,000 से शुरू हो जाती है इंडिया में अच्छे वाले शूज़ की। एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा बिगनर से शूज़ होते हैं, बेसिक लेवल के। अगर आपको काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी के एकदम बेस्ट फील वाले शूज़ चाहिए तो उनकी प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा महंगी होती जाती है, 5,000 to 6,000। एंड मैंने काफ़ी सारे शूज़ देख रखे हैं जो कि 30,000 to 40,000 के भी आते हैं, मैंने ऐसे भी शूज़ देख रखे हैं एंड उनकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा दूंगा अभी स्क्रीन पे एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उन शूज़ को भी चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस अब मैं आपको ये बताऊंगा, मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए, इसकी प्राइसिंग बता दी, इसके फीचर्स भी बता दिए इस वीडियो में एंड गाइस अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको ये यूज़ कैसे करने हैं। गाइस सबसे पहले तो आपको इन शूज़ को पहन लेना है। साइकिल पे बैठने के बाद गाइस आपको अपने जो शूज के क्लिप्स हैं उनको जो पेडल है उसका जो ऐसे करके जो पार्ट होता है उसमें फिट करना है एंड फिर आपको प्रेस करना है अपने पैरों से तो क्लिप इन हो जाएगा एंड जब क्लिप आउट करना है यानी कि निकालना है अपने पैर को तो गाइस आपको ऐसे, जैसे ये है सीधा ये पेडल है एंड ये आपका पैर है, आपको गाइस ऐसे करके एक ऐसी या ऐसे इस साइड या इस साइड इनवर्ड या आउटवर्ड को मूवमेंट करनी है अपने पैर के हील से एंड फिर गाइस आपके जो शूज़ हैं वो क्लिप आउट हो जाएंगे एंड उसी तरीके से आप इन शूज़ को यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस मैं अभी गया था उत्तराखंड में, वहाँ पे मैंने अपनी साइकिल भी लेके गया था एंड गाइस मैंने कुछ अपने कैमरे से अपनी राइड फुटेज रिकॉर्ड करी है एंड वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना एंड अब मैं आपको वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। सो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपकी इस वीडियो से कोई भी हेल्प हो सकी हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नीचे कोई कमेंट करना चाहे जिस टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं उस टॉपिक के बारे में गाइस आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक के बारे में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। प्लस गाइस मैंने काफ़ी सारी पहले सीरीज़ बनाई है टॉप 5 बेस्ट साइकिल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन की बेल दबाना भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तभी मैं नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा। एंड गाइस स्टार्ट
that's it for this video. मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं द कार्टून शो पंकज एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन बाय गाइस.